हाय डियर स्टूडेंट्स, कल के पेपर के लिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक्चुअली आजकल यूनिवर्सिटी ने अपनी पर्सनल डिटेल, फ़ोन नंबर वगैरह लिखना UFM में काउंट करना शुरू कर दिया है। हम रिज्यूमे लिखवाते हैं आपसे और SOP भी लिखवाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। तो आपको करना क्या है कि यहाँ नाम तो अपना पूरा लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आता है एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन में आप क्रॉस स्ट्रीट लिख लीजिएगा और इसके बाद लिखकर आप डॉट 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 लगा दीजिएगा। अगली दो लाइन हमारी एड्रेस लाइन की होती हैं, तो इस तरह से डॉट 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 लगा दीजिएगा। फिर फ़ोन नंबर आप जब लिखेंगे तो फ़ोन नंबर में 91 करके फिर ऐसे क्रॉस 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 लगा दीजिएगा। और उसके बाद ईमेल आईडी जब आप लिखेंगे तो आप इसमें डॉट 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 लगाकर @gmail.com लिख दीजिएगा। इसके बाद हमारा जो है आगे आता है ऑब्जेक्टिव और क्वालिफिकेशन का, पर्सनल क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम आता है। इसके बाद हमारा फिर से दोबारा से आता है पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आप क्या करिएगा कि आप यहाँ पर नेम लिखिएगा और फिर यहाँ पर डॉट 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 लगाकर छोड़ दीजिएगा। फादर्स नेम लिखिएगा और जो भी आपको लिखना है उसमें डॉट 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 लगाकर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है प्लेस और डेट। तो प्लेस में आप कॉलेज का नाम मत लिखिएगा, क्रॉस 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 लगाकर छोड़ दीजिएगा। डेट में भी आप क्या करिएगा, 07 मार्च 2024। इसी तरह से यहाँ सिग्नेचर का कॉलम आता है तो यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा कुछ भी। तो इस तरह से आप SOP और क्या कहते हैं इसमें रिज्यूमे में बहुत ध्यान से लिखिएगा। कोई भी पर्सनल डिटेल भूल कर भी मेंशन मत करिएगा वरना यूनिवर्सिटी UFM में काउंट कर लेगी। आपका कल का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जाए। हैव ए वेरी गुड, वेरी नाइस एंड अमेजिंग, मार्वेलस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट।